Friends, now in this video we discuss about class 8 biology. Next topic, useful microorganisms. Useful microorganisms. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, खाद्य पदार्थों को ऑब्टेन करते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फॉर द मेकिंग ऑफ कर्ड, दही बनाने में, जैसा कि हमें पता है कि कर्ड का जो प्रोडक्शन होता है वो मिल्क से होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, यानी कि मिल्क लैब बैक्टीरिया और इसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में, यानी कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वह दूध को जो है कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस लैक्टेसी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। यह दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके और दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में इसका क्या उपयोग होता है, जैसे कि ईस्ट का प्रयोग करते हैं हम, ईस्ट यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरिबेसी नामक ईस्ट का प्रयोग करके जो है हम ब्रेड का प्रोडक्शन करते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थर्ड जो है कमर्शियल यूज जैसे कि विनेगर और अल्कोहल बनाने में, विनेगर एंड अल्कोहल के प्रोडक्शन में जो है कमर्शियली इसका उपयोग किया जाता है, और जिस प्रोसेस के तहत किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो है हम विनेगर और अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज, मेडिसिन यानी कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका प्रयोग जो है हम मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक्स दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है, दीज आर द एंटीबायोटिक्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से ही इन एंटीबायोटिक्स को बनाया जाता है, और इन एंटीबायोटिक्स से बहुत सारे ह्यूमन डिजीज को केयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वैक्सीन मीन्स होता है टीका, क्या होता है वैक्सीन मीन्स टीका, ए वैक्सीन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज, यानी कि वैक्सीन क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा मेडिसिन होता है या एंटीडोट कह सकते हैं जो हमें पर्टिकुलर किसी बीमारी से बचाने का कार्य करता है, यानी कि वैक्सीन हमें किसी पर्टिकुलर बीमारी से ही बचाता है, अगर जिस बीमारी के लिए हम वो वैक्सीन लेते हैं उस बीमारी से हमें वो पूर्णतः सुरक्षित रखता है, ये वैक्सीन कहलाता है, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है, द गिविंग ऑफ वैक्सीन बाय द ओरली और बाय द इंजेक्शन, सच प्रोसेस इज नोन एज वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैक्सीनेशन कहलाती है।
एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले स्मॉल पॉक्स चेचक के टीके का आविष्कार किया था 1798 में। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो प्लांट्स के रूट में रहता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और इससे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई वगैरह हो गए, ये सब सर जंगलों में इन्वायरमेंट के सड़े गले जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको खा करके वेस्ट को समाप्त करते हैं और वातावरण को साफ रखने का कोशिश करते हैं। तो दीज आर द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट थी। ये ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, जिससे हमें नुकसान होती है। तो फर्स्ट है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसा कि मैंने बताया था आपको, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो डिजीज को काज करते हैं, ह्यूमन डिजीज। उनमें से कुछ जैसे कि कॉमन कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स एंड सो ऑन। इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है किस तरीके की कौन सी बीमारियाँ किन से होती हैं। ठीक है, तो ये जो डिजीज है इसमें होता है कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड बाय द पर्सन टू पर्सन, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी कि एक व्यक्ति अगर इससे पीड़ित है तो दूसरे व्यक्ति को वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ हमें उपाय करने होते हैं। फर्स्ट, ए पर्सन व्हेन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, व्हेन ही स्नीज, देन कवर देयर माउथ बाय द हैंडकरचीफ। जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो उसे अपने मुंह पे रुमाल लगाना चाहिए। दूसरा, फुट को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। अपने आप को मॉस्किटो बाइट से हमेशा प्रिवेंट करना चाहिए, इसके लिए मच्छरदानी मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना चाहिए और मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग करना चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। और कुछ अगर ऐसे डिजीज हैं जिनको वैक्सीनेशन से खत्म किया जा सकता है तो उनके लिए हम वैक्सीनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देयर आर टू कॉज, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, दो ही ऐसे जीव हैं, हाउस फ्लाई और दूसरा मॉस्किटो। ये जो है बहुत तेजी के साथ बीमारियों को स्प्रेड करते हैं, अकेले
जो हाउस फ्लाई है वो 30 से ऊपर बीमारियों को स्प्रेड करती है, इसके साथ साथ मॉस्किटो भी जो है बहुत सारी बीमारियों को स्प्रेड करने का काम करता है। अगर हम बात करें हाउस फ्लाई किस तरीके से बीमारियों को स्प्रेड करती है, तो जैसा कि पता है कि जो हाउस फ्लाई होती है वो एक जगह से दूसरे जगह होती रहती है। जैसे मान लीजिए फूड को आपने अनकवर रखा हुआ है, कवर करके नहीं रखा हुआ है, तो वो क्या करेगी, वहाँ से भोजन पे बैठेगी, किसी गंदे स्थानों पे बैठेगी, वहाँ से उठ करके आपके भोजन पे जाएगी, वहाँ छोड़ देगी। फिर उसी भोजन को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो तमाम तरीके की बीमारियों को हम बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो किस तरीके से प्रिवेंशन करेंगे हाउस फ्लाई से, इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें, गार्बेज जो भी है वो घर के अगल बगल ना फेंकें। सेकंड जो है भोजन को हमेशा ढक के रखें, कैप ऑल टाइम कवर्ड फूड, जैसे कि मक्खियां उस पर ना बैठें। बिना ढका हुआ फूड इंटेक ना करें, इंसेक्टिसाइड वगैरह का प्रयोग करके जो भी हाउस फ्लाइज है उनको किल किया जाए। कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जिनको वैक्सीनेशन से हम रोक सकते हैं हाउस फ्लाई से जो होते हैं। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ मॉस्किटो इन स्प्रेडिंग डिजीज। मॉस्किटो जो होता है मुख्यतः जो है डिजीज फैलाता है मलेरिया और डेंगू। मलेरिया फीमेल एनाफिलिस के द्वारा काज किया जाता है, और डेंगू जो है एडीज एजेप्टाई मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। तो इनसे प्रिवेंट करने के लिए किस तरीके से प्रिवेंशन करेंगे हम मॉस्किटो से, तो प्रिवेंशन के लिए जो है हमें क्या करना होगा, मॉस्किटो नेट लगाना चाहिए, मॉस्किटो रिप्लेंट का प्रयोग करना चाहिए, घर के दरवाजे और खिड़कियों पे जो है वो नेट लगाना चाहिए, घर के अगल बगल जो है वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, तो इन सब क्रियाओं को करके हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो से होने वाली बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस चार्ट को आप प्रिपेयर कर लेंगे और इसे लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी कि अलग अलग एनिमल्स में जो है अलग अलग प्रकार के बीमारियां जो होती हैं वो काज की जाती हैं। जैसे कि ह्यूमन के अलावा अगर हम बात करें तो एंथ्रेक्स एंड एस्परजिलोसिस दो डिजीज, एंथ्रेक्स एस्परजिलोसिस, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंहपका रोग, इसे हम कहते हैं खुरपका या मुंहपका रोग। यह रोग प्राय जानवरों में होता है जिसमें खुर में और मुंह में उनके छाले पड़ जाते हैं, पिस्टल्स हो जाते हैं और फीवर उनको हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम तत्काल उसे ट्रीट ना करवाएं। ठीक है, तो फुट एंड माउथ डिजीज जो है एक प्रकार का वायरल डिजीज है। इसी प्रकार से अगर हम बात एंथ्रेक्स की करते हैं, एंथ्रेक्स इज ए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है, जिसको हम बैसिलस एंथ्रेसिस के नाम से जानते हैं। इसको रॉबर्ट कोच ने जो है 1876 में डिस्कवर किया था कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है एंथ्रेक्स रोग का जो होता है, इसको रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर किया था। इसी प्रकार से अगर हम एस्परजिलोसिस की बात करते हैं तो एस्परजिलोसिस एक प्रकार से फंगस के द्वारा काज किए जाने वाला डिजीज है, जिसमें बॉडी पे जो होता है स्क्रैच,
जिस प्रकार से ह्यूमन बेइंग्स के अंदर जो होता है रिंग वर्म वगैरह हो जाता है, उसी तरीके से इसमें कुछ स्पर्मेटोसिस होते हैं, बड़े बड़े स्पॉट्स बनते हैं जानवरों के ऊपर और उसमें खुजली होती है। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। यानी कि अगर हम प्लांट में बात करें, प्लांट्स में कौन कौन से रोग होते हैं, तो प्लांट्स में रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर, एलोवेन मोजेक और भिंडी, जिसको ओकरा डिजीज के नाम से जानते हैं। तो रस्ट ऑफ व्हीट एक गेहूं की बीमारी है जो फंगस के द्वारा होती है, ठीक है। फंगस के इन्फेक्शन के वजह से जो होता है यह बीमारी हो जाती है और सीड उसमें जो होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाता है और किसी काम का नहीं रह जाता है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें अगर हम, सिट्रस कैंकर मुख्यतः सिट्रस प्लांट्स में लगने वाला ये डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है। और थर्ड जिसको हम कहते हैं ओकरा डिजीज, जो भिंडी में होता है, यह एक वायरल डिजीज है जिसके द्वारा उसकी पत्तियां और डालियां जो होती हैं वो एलो पड़ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता जिसकी हम बात करते हैं, फूड पॉइजनिंग जो होता है, फूड पॉइजनिंग क्या है, डिजीज का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मेंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। यानी कि अगर किसी भोजन में लार्ज नंबर में जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और उनको हम इंटेक करते हैं, उसे हम खाते हैं, तो वह जो होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से वह भोजन जो होता है विषाक्त हो गया होता है। इसी प्रक्रिया को जो हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें एक टॉक्सिक सबस्टेंस का निर्माण हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से और जिससे कि वह भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है और जिसके बैक्टीरिया के द्वारा यह बीमारी काज होती है उसको हम क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम के नाम से जानते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम के नाम से जानते हैं। तो बात यह आती है कि अगर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो फूड को हम प्रिजर्व कैसे रखेंगे, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व कैसे करना है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की अगर हम बात करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो फूड को प्रिजर्व करने का, भोजन को संरक्षित रखने का तरीका फूड प्रिजर्वेशन है क्या। द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज। यानी कि भोजन को विषाक्त होने से बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। और इसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, बाई ड्राइंग, पहला जो है बाई ड्राइंग, सुखा करके यानी कि वेजिटेबल्स लाइक स्पिनाच, मेथी, कॉलीफ्लावर्स, पीच, इनको सनलाइट में ड्राई करके हम क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, सूख जाते हैं, इनको स्टोर कर लिया जाता है, ये खराब नहीं होते। दूसरा प्रिजर्वेशन बाय हीटिंग, भोजन को बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जिनको हीट करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय फूड बाय कूलिंग। देखिए रेफ्रिजरेटर का हम उपयोग करते हैं, उसमें सब्जी वगैरह मीट वगैरह डाल देते हैं और वो लंबे समय तक सेफ रहता है। फ्रूट और वेजिटेबल्स को इसी तरीके से हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग में रख करके जो है मीट, फिश,
फ्रूट और वेजिटेबल्स को हम डीप फ्रीजिंग में रख करके उसे प्रिजर्व करते हैं। बाई कॉमन साल्ट, देखिए अचार वगैरह हम बनाते हैं, हम लोग जैम वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, साल्ट की मात्रा डाल देते हैं जिससे कि वो क्या हो जाता है, लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। बाई एडिंग शुगर, शुगर का उपयोग किया जाता है जैसे जैम जेली वगैरह हम जब बनाते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट में चीनी डालते हैं और इससे वो प्रिवेंट हो जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाई मस्टर्ड ऑयल, और ऐसे ही देखिए हम सरसों का तेल वगैरह ऐड करते हैं, अचार वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें, इस तरीके से उसमें वो खराब नहीं होने पाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाई यूजिंग स्पेशल केमिकल्स प्रिजर्वेंट, कुछ ऐसे होते हैं जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट का उपयोग करके उसमें फूड मटेरियल्स में हम डाल देते हैं, जैम जेली वगैरह में, जूस वगैरह में, जिससे कि वो लंबे समय तक क्या होता है, स्टोर रहता है और खराब नहीं होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाई पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन एक प्रकार का हाई टेम्परेचर पे वार्म अप है जिसके द्वारा जो है ना बैक्टीरिया वगैरह को किल कर दिया जाता है, या लगभग हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे डन करते हैं 15 सेकेंड के लिए, और यहाँ 62 पॉइंट समथिंग डिग्री पे जो है 30 मिनट्स के लिए हम इसको हीट करते हैं और वो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर एयर टाइट पैक के द्वारा भी हम उसको प्रिजर्व रख सकते हैं। तो यहाँ तक आज हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड तक हमने बात किया। आपका होमवर्क ये है, कंप्लीट थियरी एंड एक्सरसाइज एंड लर्न, ओके, कंप्लीट ऑल द स्टूडेंट्स थियरी ऑफ लेसन नंबर फर्स्ट एंड एक्सरसाइज लेसन नंबर सेकेंड, ओके, दैट्स ऑल।